नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज देखना है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा टॉप एंड मॉडल का रिव्यू देखना है आफ्टर 6 मंथ्स। ये जो मॉडल देख रहे हो आप, ये फेसलिफ्ट 2021 का मॉडल है। आगे आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोम प्लेटिंग वगैरह है, फिर यहाँ पे आगे आपका साइड इंडिकेटर है, नीचे फोग लैम्प है और यहाँ पे आपके LED लाइट्स है। आप इसका साइड व्यू देख सकते हो ऐसा है। इसके जो व्हील्स है वो 17 इंच के व्हील्स है, वो अलॉय व्हील्स। फिर यहाँ पे मैंने अभी उसको एसेसरीज बिठाए, आप देख सकते हो यहाँ पे, और ऊपर रेलिंग है उसकी। इसका ये रियर व्यू है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2.4Z है। एक्चुअली Z, V और Z ऐसे 3 मॉडल अवेलेबल होते हैं। अभी ये 2.4Z है, मतलब ये टॉप एंड मॉडल है। और जो V मॉडल होता है उसमें और इसमें कम से कम 3 लाख का डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये जो मॉडल है इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, फिर उसके बाद ड्राइवर सीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होती है, ऐसे और हिल असिस्ट, ऐसे 3 एक्स्ट्रा फंक्शंस है। इसके लिए ये Z मॉडल 3 लाख से आपको एक्स्ट्रा मिलता है। उसके साथ ही और एक उसमें एक डिफरेंस है, आपका जो V मॉडल है, V और Z में इतना डिफरेंस है कि ये जो है इसमें आपको बकेट सीट मिलते हैं 2 रियर में, और V मॉडल में आपको एक कंबाइंड टोटल सीट मिलती है। अभी ये हैंडल क्रोम प्लेटेड है और ये अदर जो दिख रहा है मैंने अभी एसेसरीज में इंस्टॉल किया वाला है। अभी अंदर चलते हैं। आप इसका जो ड्राइवर सीट से व्यू ऐसे दिखता है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये जो बटन्स है आपके इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के बटन्स है। यहाँ पे बाकी के जो डोर लॉक वगैरह है यहाँ पे फंक्शंस है। यहाँ पे एक फैब्रिक है। अभी आप ये जो स्पीडोमीटर पे रीडिंग दिख रहे हो आपको 6754 है। मैंने 6 महीने में इतना उसका डिस्टेंस कवर कर लिया है। अंदर आने के बाद जो ड्राइवर का स्टीयरिंग है कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे फैब्रिक है और यहाँ पे वुडन है, और यहाँ पे बाकी के कंसोल्स है कि जहाँ से आप फ़ोन उठा सकते हो, रख सकते हो। फिर उसके साथ यहाँ पे आपके जो सामने का जो स्क्रीन है वो उससे यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी स्पीडोमीटर के कंसोल पे जाते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड दिख रहा है आपको वो आपका RPM मीटर है, और राइट हैंड में आपका स्पीडोमीटर है। और ये अंदर का जो स्क्रीन है इसको आप इको मोड, पावर मोड और बाकी के जो आपके यहाँ पे जो बटन्स है उससे आप उसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। यही भी इस पर आपको डोर कौन सा ओपन है, क्या है, वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। डोर क्लोज हो गया, वो बंद हो गया। यहाँ पर इसका ये डिस्प्ले है जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे AC का बटन है। अगर आपको रियर AC स्टार्ट करना है तो ये बटन दबाना पड़ेगा आपको। फ्रंट में आपको जो फॉग आता है तब आपको ये बटन प्रेस करना है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको दिखता है कि आपका रेंज कितना जा रहा है, मतलब 8.5 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। और क्रूजिंग रेंज अभी जितना डीजल है गाड़ी में वो 74 किलोमीटर तक वो जा सकती है। ऐसा ही है, टोटल यहाँ का कंसोल था। फिर नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे पैसेंजर जो एयर बैग्स है वो ऑन है या ऑफ है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे इको मोड है और पावर मोड है। इको मोड मतलब आपको पावर थोड़ा कम मिलेगा, पावर मोड में पावर ज़्यादा मिलेगा। इसका पावर मोड का एक्सपीरियंस एकदम सही आता है कभी आप करोगे तो। ये जो आपको डिस्प्ले दिख रहा है ये टोटल टच स्क्रीन है, ठीक है। मेरा ये जो वेरिएंट है 2.4Z, इसमें मैंने ऑटोमेटिक नहीं लिया है, मैंने मैनुअल लिया है। यहाँ पे आपका ये हैंड ब्रेक है, यहाँ पे कप होल्डर है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते, यहाँ पे ऐसे इसको आप बाकी का जो कुछ एसेसरीज है वो रख सकते हो। और यहाँ पे एक बॉटल रखने के लिए एडजस्टमेंट, जो अगर आप बॉटल रखते हो यहाँ पे तो वो चिल रह सकती है यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर लाइट के फंक्शंस है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये दबाने के बाद आपके लाइट्स स्टार्ट होते हैं। फिर यहाँ पे एक ब्लू कलर का डिमर है जिसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। सेम पीछे के साइड में भी ऐसे ही डिमर है। फिर अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक फ्रिज जैसा बॉक्स है जिसमें आप बॉटल वगैरह रख के उसको ठंडा रख सकते हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे नीचे एक और एक बॉक्स है जिसमें आप चाबी से उसको ऑपरेट कर सकते हो। जो आपका मेन की है उसमें एक चाबी उन्होंने दिया है। नीचे यहाँ पे एसेसरीज डाली है मैंने। आप AC का अगर देखोगे तो सामने के साइड टोटल 4 AC के वेंट है, ठीक है। और एयर बैग्स, टोटल 7 एयर बैग्स है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक एयर बैग है सामने, को ड्राइवर के लिए एक एयर बैग है।
यहाँ पे भी एक एयर बैग है, ऐसे टोटल 7 एयर बैग रहेंगे। अभी मैं पीछे के साइड में हूँ, पीछे के साइड में देख सकते हो यहाँ पे आप ढेर सारा अरेंजमेंट है। यहाँ पे देख सकते हो आप, आपको लेग स्पेस, ढेर सारा लेग स्पेस है। साथ ही आप अगर काम कर रहे हो तो यहाँ पे लैपटॉप रख सकते हो, यहाँ पे कप होल्डर है। सेम आपका जो यहाँ का सीट है उसके लिए भी वैसे ही अरेंजमेंट है। फिर रियर साइड जो है, रियर साइड के एसी के लिए यहाँ पे 2 डक्ट है और उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ऐसे बटन्स दिए उन्होंने, ऑटो और ऑफ है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उसका डिस्प्ले दिखता है कि एयर का कितना उसका फ्लो है। ये ऐसे आपको बकेट सीट मिलेंगे, इसके बकेट सीट के लिए आर्मरेस्ट है और ये जो लेदर है एकदम प्रीमियम लेदर है। ठीक, अभी मैं एकदम लास्ट वाला जो सीट है थर्ड रो उसमें बैठा हूँ। यहाँ पे इतना मेरे को लेग स्पेस मिल रहा है, ये सामने वाला सीट है। सेम यहाँ पे बाकी के एडजस्टमेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे एसी का वेंट है। ये जो सेकंड रो है वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो एक और एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन जहाँ से आप चार्जर वगैरह के लिए आउटपुट ले सकते हो, और यहाँ पे एक यूएसबी का कनेक्शन है। रियर साइड से आपको ऐसा व्यू मिलेगा गाड़ी का। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है आपका, यहाँ पे थर्ड रो, ये सेकंड रो और आपका ये फर्स्ट रो। ऐसा एक बहुत बेहतरीन कार है ये, लॉन्ग टूरिंग के लिए आपको इसका एक्सपीरियंस सही लगेगा।